तो गाइस आज जो मैं वीडियो आपको एडिट करके दिखाने वाला वो वीडियो दोस्तों कुछ इस प्रकार से होने वाला है, देख सकते हैं। रुको अभी आ रही है, शर्मा रही है थोड़ा सा, ठीक है आएगी अभी। तो गाइस जिस वीडियो को अभी आप यहाँ पे देख रहे हो गाइस, मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है दोस्तों टिकटॉक पर वायरल हुआ है और बहुत ही ज्यादा तेजी से दोस्तों मैं देख रहा हूँ कि इंस्टाग्राम रील्स पर भी ये वीडियो वायरल होने जा रहा है। तो गाइस आप भी अगर कुछ इस तरह का वीडियो एडिट करना चाहते हो टिकटॉक के लिए या फिर इंस्टाग्राम रील्स के लिए, तो गाइस मेरे इस वीडियो को आपको थोड़ा सा ध्यान देके देखना होगा, क्योंकि इस तरह का वीडियो बनाने के लिए दोस्तों आपको इसका जो शूटिंग है, वीडियो शूट करने का तरीका है, वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों इस चीज़ को आप यहाँ पर अच्छे से शूटिंग नहीं करोगे तो गाइस आपका जो वीडियो है इस तरह से नहीं बनेगा। तो इस तरह का वीडियो बनाने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर किसी दरवाजे के सामने आपको चले जाना होगा। जाने के बाद दोस्तों आप अपने लाइट वाइट लगा लीजिएगा, ठीक है। लगा लेने के बाद आप यहाँ पे स्टेप वन पे कुछ इस तरह से अपने हिसाब से यहाँ पर एक्टिंग करके वीडियो को शूट कर लीजिएगा। शूट कर लेने के बाद दोस्तों आपका जो स्टेप वन का काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अभी आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट काम, सेकेंड स्टेप का वीडियो शूट करना। अभी आपको क्या करना पता है, रूम के जितने सारे लाइट है आपको यहाँ पे बंद कर देना होगा, बाहर जो लाइट है वही आपके रहना चाहिए, ठीक है। रूम का जितना सारा लाइट है आप बंद कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आपको स्नैपचैट ऐप को आपको यहाँ पर ओपन करना होगा, देख सकते हैं यहाँ पर मैं स्नैपचैट ऐप के यहाँ पर ओपन किया हो। ओपन कर लेने के बाद दोस्तों आपको यहाँ एक्सप्लोर पे जाना होगा। जाने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे ट्रेंडिंग में चले जाइएगा। जाने के बाद आप यहाँ पे VIL लिख के आप टाइप करके सर्च कीजिएगा। जैसे आप यहाँ पे सर्च करते हो कुछ इस प्रकार का दोस्तों एक फिल्टर आपके सामने आएगा। अब इस फिल्टर से दोस्तों आपको क्या करना है, अपना पसंदीदा कुछ अलग अलग पोज बना के कुछ इस तरह से, मतलब जिस तरह से अगर आप लड़की हो तो आपको बहुत सारे तरीके आते होंगे, अगर आप बॉयज हो तो अपने हिसाब से पोज करके वीडियो को शूट कर लीजिएगा। शूट कर लेने के बाद दोस्तों उस वाले वीडियो को आपको क्या करना पता है, आपको एक्सपोर्ट कर लेना होगा अपने गैलरी में। मुझे पता है दोस्तों आपको स्नैपचैट से वीडियो एक्सपोर्ट करना आता है। इसके बाद आपका जो मोबाइल एडिटिंग सॉफ्टवेयर है काइन मास्टर, उसको आपको ओपन करना होगा। तो उसको ओपन करने से पहले आप अगर अपने भाई को नहीं जानते हो तो मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है विद्युत और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके और हमारे यूट्यूब चैनल JSR काउंडा में। गाइस अगर आप मुझे बकते हुए पहली बार सुन रहे हो तो आपको इस वाले वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखेगा, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके आप वहां पे ऑल सेट कर ले। अब गाइस बिना किसी देरी के वीडियो को लाइक करके चलिए आपका जो मोबाइल एडिटिंग सॉफ्टवेयर है काइन मास्टर, उसको ओपन कीजिए। मैं जाकर आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूं। तो गाइस जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जो मेरे स्मार्टफोन का काइन मास्टर ऐप है उसको मैंने यहाँ पर ओपन करके रखा है। अब आपको इस वाले न्यू प्रोजेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और यहाँ पर दोस्तों आपको 9:16 एस्पेक्ट रेशियो में सिलेक्शन करके आपका जो काइन मास्टर ऐप है आपको यहाँ पर ओपन कर लेनी होगी। अभी फ्रेंड्स आपको राइट साइड में जो एक मीडिया का ऑप्शन दिख रहा होगा, देख सकते हैं, आपको इस वाले मीडिया के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना गैलरी को ओपन करना होगा। और यहाँ से दोस्तों आपका जो फर्स्ट रिकॉर्डिंग किया हुआ वीडियो है उसको फ्रेंड्स आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो गाइस जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जो मेरा फर्स्ट रिकॉर्डिंग किया हुआ वीडियो है उसको मैंने सिलेक्शन कर लिया है। सबसे पहले दोस्तों आपको इस वाले वीडियो का जो ऑडियो है आपको यहाँ पर म्यूट कर लेनी होगी। म्यूट कर लेने के बाद दोस्तों आपको अपने वीडियो में कुछ इस तरह से फर्स्ट तरफ आपको आना होगा। आने के बाद दोस्तों आपको अपना वीडियो को प्ले करना है और प्ले करके दोस्तों जहाँ पर आप एक जगह कुछ इस प्रकार से फ्रीज हो जा रहे हो इस जगह पर फ्रेंड्स आप यहाँ पर चले आइएगा। आने के बाद दोस्तों आपको इस वाले फाइल में क्लिक करना होगा और ऊपर में दोस्तों जो आपको सीजर का ऑप्शन दिख रहा होगा, देख सकते हैं, आपको इसी वाले सीजर के ऑप्शन पर क्लिक करके बाकी के जो एक्स्ट्रा पार्ट है दोस्तों अपने वीडियो से यहाँ से हटा लेनी होगी। हटा लेने के बाद दोस्तों आपको इसी वाले मीडिया के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना गैलरी को फिर से ओपन करना होगा और यहाँ से दोस्तों आपने स्नैपचैट से जिस वीडियो का एक्सपोर्ट किया था उस वाले वीडियो को फ्रेंड्स आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जो स्नैपचैट से एक्सपोर्ट किया हुआ वीडियो है उसको मैंने सिलेक्शन कर लिया है। अब गाइस आपको इस वाले वीडियो का ऑडियो को पहले आपको म्यूट कर लेनी होगी। म्यूट कर लेने के बाद दोस्तों आप अपने वीडियो में कुछ इस तरह से गाइस आपको इस जगह पर आपको चले आना होगा। आने के बाद दोस्तों आपको अपना वीडियो को प्ले करना है और प्ले करके दोस्तों जहाँ जहाँ फ्रेंड्स आप रिएक्ट किए हो, सबसे पहले आप जो फ्रीज वाला पोज है आपको थोड़ा सा आपको रख लेनी होगी, ठीक है। रख लेने के बाद दोस्तों आपको इस वाले फाइल में क्लिक करना है, देन सीजर के ऑप्शन पे क्लिक करके दोस्तों आप यहाँ पे स्पीड एट प्ले एट के ऑप्शन पे आप क्लिक कर दीजिएगा। देन गाइस अभी आपको अपना वीडियो को प्ले करना है और प्ले करने के बाद दोस्तों जहाँ पर आप नेक्स्ट पोज दिखा रहे हो उससे जस्ट पहले आपको कुछ इस तरह से आना होगा और सीजर की हेल्प से दोस्तों आप यहाँ से आगे का हिस्सा का थोड़ा सा आप हटा लीजिएगा। नेक्स्ट गाइस आपको अपना वीडियो को प्ले करना है, देख सकते हैं इतना दूर तक रखिएगा। बाद में गाइस इसको भी आपको यहाँ पे सीजर के ऑप्शन पे क्लिक करके स्पीड एट प्ले एट के ऑप्शन को क्लिक कर देना होगा। इस तरह से गाइस आप जितने सारे जगह है
जिन जगहों में दोस्तों आप यहाँ पे पोस्ट दिखाए हो, जस्ट थोड़ा सा आपको पहले से आना होगा और बाकी के जो पार्ट है दोस्तों आप पहले हटा लीजिएगा। हटा लेने के बाद आपका जो पोस्ट का जो पार्ट है दोस्तों आप यहाँ पे कुछ इस तरह से रख लीजिएगा। मैं गाइस जिस प्रकार से आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ सेम टू सेम कुछ इस तरह से आप गाइस इस चीज़ को आप कर लीजिएगा। तो गाइस जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे जितने सारे पोज किए जगह है उन सारे जगहों को दोस्तों मैंने यहाँ पे सिलेक्शन कर लिया है। अभी गाइस मैंने इस वाले वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा वीडियो को देके रखा है, आपको दोस्तों उस वाले वीडियो को डाउनलोड कर लेना होगा। डाउनलोड करके दोस्तों आपको इस वाले लेयर में क्लिक करना है, मीडिया का ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपना गैलरी को ओपन कर लीजिएगा और यहाँ से दोस्तों आपको उस वाले वीडियो को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट कर लेने के बाद दोस्तों आपको राइट साइड के लास्ट में जो एक्सट्रैक्ट ऑडियो का ऑप्शन है आपको इसमें क्लिक करके इस वीडियो से ऑडियो का निकाल लेना है। देन गाइस आपका जो वीडियो फाइल है आपको यहाँ पर डिलीट कर देना होगा। लीजिए दोस्तों आपका जो वीडियो यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब गाइस मैं आपको यहाँ पर एक बार वीडियो को प्ले करके दिखाता हूँ। तो गाइस इस तरह से आप बहुत ही आसान और इजी स्टेप को फॉलो करके आप कुछ इस प्रकार का दोस्तों वीडियो एडिट कर सकते हो। अब दोस्तों आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको ऊपर में जो शेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा देख सकते हैं, आपको इसी वाले शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको बस अपना फाइल को यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेनी है। तो साथियों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर दोस्तों वीडियो को इतना दूर देख लियो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। बाकी यार चैनल पे अगर आप नए हो तो मुझे पता आपने सब्सक्राइब कर दिया है। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही किसी न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय टाटा नमस्कार।